हेलो गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे गोभी के पराठे। गोभी है और गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि गोभी है मैंने छोटे जार से कद्दूकस कर लिया है गोभी को। इस तरीके से देखिए आप, छोटा जार है इसलिए मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है गोभी को। और ये मैंने एक परात में ले लिया है, आटा मारने वाली परात है, उसमें रख लिया है, देख सकते हो। और इसमें मैंने 6-7 मिर्ची काट के रखी थी, हरी मिर्ची बारीक उसमें डाल दी है, 6-7 मिर्ची की हरी बारीक। और ये धनिया पत्ती है, धनिया पत्ती भी इसमें डाल देते हैं। और छोटा चम्मच है लाल मिर्ची, ज़्यादा तीखी नहीं है। और छोटा चम्मच है धनिया पाउडर और आधा चम्मच है आमचूर पाउडर, इसको भी इसी में डाल देते हैं। और हाथों से इसको मिक्स कीजिए, देखिए मिक्स के चारों तरफ से मिलाइए, कहीं पर भी ज़्यादा कम मसाला ना रहे। इस तरीके से आप हाथों से मिलाते जाइए, मैं मिला रही हूँ ऐसे ही, आप मिला सकती है, मिलाइए देखो। और पूरी तरीका से मिक्स हो जाना चाहिए, कहीं कम ज़्यादा मसाला ना रहे। ये है अजवाइन, अजवाइन को मैंने हाथों से क्रश करके उसमें डाल दिया है। और कढ़ाई रखती है गैस के ऊपर, उसमें मैंने तेल कर दिया है, तेल में मैंने जीरा डाल दिया है। उसमें कच्चे मसाले थे ना, जैसे धनिया पाउडर जैसे, ये थोड़े कच्चे हैं तो कड़वाहट सी आती है मसालों की, इसलिए इसमें हम तेल में डाल करके उसे भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट के लिए। कढ़ाई में डाल दिए है ये मैंने कद्दू कसी हुई गोभी। और इस तरीके से चमचे की मदद से इसे चलाते जाइए और चलाते रहिए देखिए, और गैस का मीडियम फ्लेम पर इसे भूनते जाइए। देखो इसमें ना मैंने हल्दी वल्दी कुछ नहीं डाली, ये है ना कलर उससे आया है, लाल मिर्ची थी ना उससे आया है। और देखिए इसे चलाते जाइए। और स्वाद अनुसार नमक है, नमक को भी मिला दीजिए, पूरी तरीके से मिल जाना चाहिए नमक। गैस बंद कर दिया है मैंने, गैस को बंद करके ही डालना है नमक, क्योंकि है ना ये कद्दू कसी हुई गोभी, नमक डालने पर ये थोड़ी है ना गीली गीली सी हो जाएगी। और मैंने कढ़ाई को उतार के रखा है नीचे, मैंने 10 मिनट पहले आटा लगा के रखा था दोस्तों। पराठे बनाती हूँ मैं, जब थोड़ी देर पहले आटा लगा देती हूँ, और जब मैं बनाती हूँ लोई तोड़ ली है मीडियम साइज़ की। और देखो इस तरीके से मैंने सूखे आटे में उसको मिक्स कर लिया है, और चकले पर रख के इस तरीके से हमने हाथों से बढ़ा दिया है थोड़ा, आप भी बढ़ा सकते हो इसको। और बेलन उठा करके आप इसको गोल 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 बेलिए, थोड़ा मोटी रखना है इसको, क्योंकि इसके अंदर है ना गोभी का पेस्ट भरा जाएगा। और इसमें जितना खाते हो कम ज़्यादा उस तरीके से आप भर सकते हो। और इस तरीके से मोड़िए, मोड़ते जाइए, और मोड़ने के बाद में इसको ऐसे बंद कर दिए टाइट से, कहीं ये यहाँ से खुलने जाए। और बाकी का एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल के रख दीजिए अलग, और हाथों से दबा करके थोड़ा टाइट, और इसको बढ़ाइए सूखे आटे में, इसको मिक्स कर लेना है, बिगाड़ लेना है। चकली पर रख के थोड़ा हाथों से दबा करके इसे थोड़ा 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 बड़ा कीजिए, क्योंकि इसके अंदर मसाला है ना वो बड़ा बढ़ जाएगा चारों तरफ और फैल जाएगा ना, तो फटेंगे नहीं पराठे बिल्कुल भी। अब देखिए इसमें सूखा आटा लगा करके जहाँ से कहीं लग रहा है गीला गीला सा, जैसे मसाला ऊपर निकल आता हुआ, सूखा आटा लगा करके आप बड़ा कर सकते हो। और आराम आराम से बेलना, ज़ोर ज़ोर से नहीं बेलना, क्योंकि है ना फट जाएंगे। और कोई भी पराठे हो ज़ोर ज़ोर से बेलोगे तो आप फटेंगे ही। तवे पर डाल दिया है रोटी को मैंने बेल करके, इस तरीके से चारों तरफ से मैंने घी लगा दिया उसको। और आप इस तरीके से चारों तरफ से घी लगा करके अच्छी तरीके से आप बेल सकते हो, बना सकते हो, खा सकते हो। दोनों तरफ से मैंने तेल लगा दिया है देखिए, और अब चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। और मेरी वीडियो में ज़्यादा शोर शराबा होता है, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। और दोस्तों मेरी वीडियो में जो भी गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने दूसरी लोई बनाई है, दूसरी लोई को भी इस तरीके से मैंने सूखे आटे में मिला लिया है, इसको भी इस तरीके से बना करके दिखाती हूँ। पहले बनाया था इस तरीके से, इसको भी ऐसे हाथों से बढ़ाना है, और बढ़ा करके इसमें थोड़ा बेलन से बड़ा करना है, बेलन से बड़ा करके देखो इस तरीके से हाथों से थोड़ा बड़ा करना है ना, बढ़ाइए। मैं बेलन उठा करके इसे बेलने लगी हूँ, बेल सकते हो। इसमें मैंने चटनी भर दी है, वही
गोभी की इस तरीके से मोड़ करके जो सब पहले बेला था उसी तरीके से करना है। देखो इसको बंद कर देना अच्छी तरीके से, बाकी का स्टार्ट है उसको भी हटा देना है। इस तरीके से आप बना सकते हो। गोभी का सीजन है, पराठे खाने का भी सीजन है, सब कुछ है। बना करके खाइए खिलाइए। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो। इस तरीके से हाथों से बड़ा करके आप बेल सकते हैं। देखो कहीं से कोई पराठा नहीं फटा, देखो। और गोभी के पराठे हैं, आप इस तरीके से ना भून करके बनाओगे ना तो नहीं फटेंगे। मैंने तवे पर डाल दिया है, इसको भी ऐसे घी लगा कर बड़ा कर दिया है, वो उसे कर दिया है। देखो और दोनों तरफ से लगा दिया है। देखिए आप बनाओगे तो इस तरीके तो अच्छे लगते हैं, टेस्ट भी अच्छा आएगा इसमें। कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि क्या है कैसे बनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बनाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इतना अच्छा कलर आया है, इतना अच्छी तरीक़ा से सीखे हैं, कोई फटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो आप चाहे जितना बड़ा कर सकते हो, गरम गरम पराठे। इसको तोड़ करके दिखाती हूँ मैं चारों तरफ इसके अंदर।